हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को हैप्पी भाई दूज मेरी तरफ से। तो सुबह का टाइम है, 6:15 बजे हैं और सृष्टि और उनके पापा जा रहे हैं लखनऊ। और लखनऊ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उसको अपने बड़े भाई की भाई दूज करनी है। वैसे तो मैं जाने वाली थी, मैंने पूरी तैयारी कर ली थी भाई दूज में जाने की, पर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए मैं नहीं जा पाई। तो इसलिए सृष्टि जा रही है अपने पापा के साथ। तो घर पे पहुंच गई है और ये है मेरा बड़ा वाला बेटा। और इसकी भी कुछ थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए चेहरा उतरा उतरा है, दवा लेके आया था। तो सृष्टि ने इसकी भाई दूज कर दी है बड़े वाले भैया की अपने, क्योंकि सबसे पहले रक्षाबंधन हो या भाई दूज हो तो ये सबसे पहले अपने बड़े भाई की करती है, उसके बाद ही चिंटू की करती है। तो इसलिए मॉर्निंग में जल्दी चली गई थी ये। और सुबह लोग पहुंच गए थे 9:30-10 बजे तक वहाँ पर। तो भाई दूज कर दी है इसने अपने भैया की। और इधर ये मेरी छोटी वाली नंद आ गई थी दिन में, तो बैठी हुई हैं, वही बोल रही थी कि भैया कब आएंगे। तो मैंने कहा कि आ जाएंगे शाम तक। तो कहने लगी जब तक मैं भाभी चिंटू की फिर भाई दूज कर देती हूँ और फिर मैं भैया की भी कर दूँगी शाम को। तो इधर ये छोटी वाली नंद भाई दूज कर रही हैं और उधर उनकी बेटी है वो। और भी काफ़ी लोग आए थे पर मैं ज़्यादा सबका शूट नहीं कर पाई थी व्लॉग, तो इन्हीं का कर पाई थी और लोगों का नहीं कर पाई थी वीडियो शूट। तो सब लोग आए थे काफ़ी बारी बारी से। तो इधर इन्होंने चिंटू की भाई दूज कर दी है। और इस बार तो मेरा सारा ही प्रोग्राम कैंसिल हो गया, वरना तो हर साल मैं ही जाती थी और इस बार नहीं जा पाई। और अब शाम हो गई है, 5 बज गए हैं और ये सृष्टि आ गई है। और सामान भी काफ़ी लेके आई है जो दिया है मम्मी ने। तो आते ही आते इसने मुँह हाथ धोया अपना, कहने लगी मम्मी पहले मैं चिंटू की भाई दूज कर देती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं रेस्ट करूँगी। तो इधर ये चिंटू की भाई दूज कर रही है और हमारी तरफ नारियल भी दिया जाता है। तो काफ़ी थकी हुई थी, चेहरे से लग रहा था क्योंकि सुबह में गई और उसके बाद फिर वापस आई, दिन भर रेस्ट नहीं कर पाई तो काफ़ी थक गई थी, इसलिए उसका चेहरा काफ़ी उतरा उतरा लग रहा था। तो उसने भाई दूज कर दिया, उसके बाद फिर शाम को और थोड़े लोग आ गए थे तो उसको खाना खाने में भी काफ़ी देरी हो गई थी। तो और ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो मेरे मायके से मेरे भैया भाभी और मम्मी ने सब दिया है कपड़े वगैरह, तो ये मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। कैसे लग रहे हैं आप लोग को? जा तो पाई नहीं थी तो उन्होंने भिजवा दिए हैं। तो आई होप फ्रेंड्स, आप लोग को मेरा ये आज का छोटा सा भाई दूज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक अच्छी सी रेसिपी और अच्छे से ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।